गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुबन संजय ब्लॉग्स। फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है मधुबन संजय ब्लॉग्स, इसीलिए दोनों में स्वागत है आप सबों का। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी नहीं हूँ, फिर भी बनाती हूँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। आज अपने बेटे के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, पनीर के पराठे। तो उसमें क्या क्या डालना है वो मैं पहले आप लोगों को शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग भी बना पाओ अगर मन जाए तो, बच्चे के लिए टिफ़िन या ब्रेकफास्ट। तो बहुत ही ईजी है। तो हम थोड़ी सी पनीर लिए हैं यहाँ पे, तो पनीर को हम काटेंगे, थोड़ा सा कट कर लिए। यहाँ पे आटा है जो कि सान कर हम लोहिया बना के यहाँ पे रखे हैं। तो चलिए, मेरा रेसिपी है इसीलिए मुझे बनाना पड़ रहा है, ब्लॉक होता तो इतना नहीं। ले टुकड़े टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। इसमें और क्या क्या डालेंगे? कुछ डाला नहीं इसमें? इसमें और डाला जाएगा, मेरे हस्बैंड को तो तीखा खाना पसंद है। आप खाएंगे क्या? क्यों, हम नहीं खाएगा, देखेगा क्या। तो इसीलिए इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, ये तो सब डालेंगे वरना फीके पड़ जाएंगे। पर ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम। पनीर ज़्यादा नहीं लग रहा है? थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लग रहा पनीर? ये ब्लॉग नहीं, बदमाशी नहीं कीजिए। मिर्ची, तीखी मिर्ची, आप लोग चाहो तो कच्चा मिर्ची भी काट के डाल दो, अच्छा लगेगा। इसीलिए जीरा पाउडर, जीरा पाउडर इसलिए कि जब हम भरेंगे उसको पराठे में तो बहुत टेस्ट लगेगा। थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। तो नमक डाल दिए हैं, ये भी डाल दिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी नहीं पड़ेगा? ये तो अंदर में रहेगा ना, दिखेगा ही नहीं। हल्दी डाल सकते हैं, अच्छा बात है। हल्दी का दिखने के लिए थोड़ी होता है, टेस्ट के लिए भी होता है ना। तो डाल लेते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो हल्दी भी डाल दूंगी। तो हल्दी मैं नहीं डालूंगी, मुझे अच्छा नहीं। पहली बार देख रहा है कि पनीर को तुम उसको मख रही है, पेस्ट बना रही है। पहली बार, दो बार खिला चुके हैं। अभी मेरे रेसिपी पे जा रहे हैं फेसबुक पेज पे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा किनको किनको अच्छा लगा। अभी पूरा बन जाए तभी तो अच्छा लगेगा ना। इसमें प्याज भी ऐड कर सकती है ना, अच्छा लगेगा प्याज ऐड करने से। सब चीज़ में सब चीज़ डाल के अच्छा नहीं लगता है। हाँ, प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि प्याज भी डाल सकते हैं। अरे इसमें तो हल्दी भी डाल दो, तो आप लोग डलवा के ही छोड़ेगा। बना क्या रही है वैसे, बोलो तो पहले। पनीर के पराठे। अच्छा अच्छा, तो इसमें हम लोग किशमिश भी डाल सकते हैं क्या? हाँ, किशमिश। किशमिश आपका रेसिपी है? नहीं है, ये मेरा रेसिपी है, डलवा दिए। हल्दी ऐसे अच्छे चीज़ें डालना चाहिए, लेकिन नहीं डालने से भी होता है। तो इस तरीके से हमको बताने दीजिए ना, इस तरीके से इसको मिलाएं, और उसके बाद इसमें कच्चा मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही क्योंकि मेरा बेटा खाएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ, बिना गैस का तो बनेगा नहीं। तो गैस ऑन और तवा गरम। हम लोई बना के रखे थे आटा का, जल्दी हो जाएगा इसीलिए वीडियो बड़ी हो जाती है। जैसे दाल पूरी बनता है वैसे पनीर पूरी बनेगा ना, पनीर पराठा। आप हमको बताने दीजिए ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? जो भी है मजा आएगा, लेकिन हमारे बारे में ना, हमारे वाले में सब ज़्यादा भरना एकदम। ये विराज का है। हाय रे, आज 2 अक्टूबर है, तो बहुत ज़्यादा भर लिया। हमको लगता है ये इतना तो खत्म ही हो जाएगा फिर तो। और है डाल देंगे आपका वाला में, मिर्ची डाल देंगे। तो ये है पनीर के पराठे, और आप लोग देखते रहते हैं। मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे, दोनों तीनों सेम है, तीनों के लिए बना दें। और ज़्यादा बना देंगे तो नहीं खाएंगे आप लोग। बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है पनीर, है ना। ज़्यादा डालने का जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत डालने से हो जाएगा। आपका वाला में सिर्फ ज़्यादा टेस्ट होता है इसका, बहुत। आपका वाला में सिर्फ ज़्यादा डालेंगे, हमारे में ज़्यादा डालो, तुम लोग थोड़ा डालने से हो जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे ब्रेकफास्ट, बनाइए। तुम डाली है ना, 1 किलो पनीर लगेगा उसमें डालने के लिए। ब्रेकफास्ट बनाइए या इवनिंग ब्रेकफास्ट बनाइए, स्नैक्स बनाइए। कैमरामैन फोकस कीजिए जल्दी मेरे चकले पे। आप लोग चाहो तो छोटा छोटा भी बना सकते हो, क्योंकि मेरे घर पे सब ज़्यादा ज़्यादा भरवाएगा, इसीलिए हम ज़्यादा थोड़ा बड़ा। टूट गया तो नहीं टूटता है ये, दिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से दिखाई देगा अंदर में। और अब तवा मेरा गर्म है, चलिए रखते हैं।
इसमें हम राइस ऑयल डाल रहे हैं, अगर आप लोग चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, रिफाइन भी डाल सकते हैं। हमारे घर पे रिफाइन का ये लोग खाना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा। इसमें बहुत ज़्यादा पनीर पड़ा ना, ये हमारे लिए अलग कर देना। कैसा लगा, हेल्दी लगा ना, हेल्दी ब्रेकफास्ट कह सकते हैं। बन गया तुम्हारा, देख के तो बहुत टेस्टी लग रहा है। साथ में क्या है? सॉस। अरे सॉस के साथ खाना होगा, हाँ वो भी चलेगा। हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट। टेस्टी तो है उनको मालूम है, हेल्दी का पता नहीं। हाँ? तो हेल्दी भी होगा, इतना सा तेल डाल दिए इसीलिए बोला। इसको तो सूखी रोटी में डालना चाहिए, सूखा रोटी। एक रेडी हो गया विराज। हाँ? ये रहा हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट मेरा बेटा। पनीर पराठा खाइए। और ये क्या है, सॉस के साथ मजा आ जाएगा ना आज तो। मैं तो लेकर जा रहा हूँ। अच्छा आज घर पे हैं, थोड़ा इधर आइए। हाँ बोलो। इधर आइए, बेटा को बोले हैं आज आप घर पे हैं। ये सॉस गिरा तो क्यों है? अच्छा घर पे है आप, कुछ प्लानिंग चल रहा है? मोदक लग रहा है इसको। इसको बस वो कढ़ाई में तेल में रख के कर दो। अच्छा खा के बताइए कैसा लगा। खाने तो दो हमको भी दो, हमारा कब मिलेगा। बच्चे लोग को पहले खाने दीजिए ना, क्या बड़ा हो के बच्चे जैसा था। छोटू और लेगा क्या? वो खत्म हो गया। पहले बताओ तो बना कैसा, खा के कैसा लगा तुमको? बहुत टेस्टी। हमारे लिए बचेगा ना, सब तुम ही खाएगा। दीदी को भी बुला। अरे लाओ रे, हमको ही भूख लगा है, उन लोगों को दिए जा रही है तुम उस समय से। हमारा ख्याल नहीं है क्या, बस पीछे ही हम खड़ा रहेगा। लाइन में रहिए। अच्छा बोला तुमको दीदी, हमारे लिए बिना पनीर का मिलेगा लगता है। चलिए आपका भी हो गया। सॉस लेंगे क्या? सॉस नहीं चाहिए, हम वैसे ही खा लेगा। चाय देना बस। आपको चाय चाहिए ना? ये लीजिए। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।